Last graph of the Boyle's law. We have already done that PV is equal to constant. Means PV, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पीवी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, पीवी क्या है, कल की आपने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू के. ठीक है, पीवी इज इक्वल टू के. कल मैंने एग्जांपल भी बताई, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है, इक्वल. मीन्स हम ये भी कह सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2. ओके, अगर इनिशियल प्रेशर फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 10 था तो आपका वॉल्यूम कितना है 15. अगर आपने प्रेशर 15 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया 10. तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इक्वल. ठीक है, दिस इज अ बॉयज लॉ. गॉट इट. नो, नेक्स्ट राइट डाउन फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. अब हमें पता है बेटे, समझो इसको ध्यान से, प्रेशर जो है इस लॉ के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मतलब अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है. ठीक है, अगर प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज. देखो अब हिली एरियाज में जाओ, इसमें हिली एरियाज पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, अब ध्यान से समझो, आप हिली एरियाज में गए, वहां पे प्रेशर डिक्रीज है, प्रेशर डिक्रीज है कि नहीं है, तो आप एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट जगह पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे उस जगह पे. अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो, आप इस रूम को बड़ा कर देते हो, तो पहले ये ही बच्चे इन चार लाइंस में आ रहे थे, अभी और बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, नहीं बिखर जाएंगे. अगर ये मैं रूम छोटा कर दूं, प्रेशर इंक्रीज कर दूं, पिस्टन लगी हुई है, इट इज अ हाइपोथेटिकल, यहाँ पे पिस्टन लगी हुई है, मैंने क्या किया, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, तो एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े, नंबर ऑफ मोल्स एक यूनिट एरिया में बढ़ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, मास उस एरिया में इंक्रीज कर गया, तो हम प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं डेंसिटी के इससे. मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, मैंने पिस्टन लगा दी इस रूम को, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, अब ये जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे बिखरे हुए हैं वो इस जगह पे आ गए सारे, तो एक यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, वॉल्यूम तो हो गया डिक्रीज, मास इंक्रीज हुआ, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स. डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी, मास मोल वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, इंक्रीज. कब हुए, जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज करती है. अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी एयर की कम हो जाती है, एयर इज लेस डेंसर, इसलिए वहां पे क्या हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है. गॉट द पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट इज बेटे चार्ल्स लॉ. फर्स्ट राइट आउट द डेफिनेशन, हरी अप, देन आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन टू यू. राइट डाउन द प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. अभी टेम्परेचर आपने कॉन्स्टेंट रखा था, अब आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखोगे. वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. बॉयल्स में टेम्परेचर है एंड चार्ल्स में प्रेशर है. ओके, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 by 273, जल्दी जल्दी लिखा करो. वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 by 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट जीरो डिग्री with the rise or fall
of each degree in temperature with rise or fall with each degree of temperature. अब अगर ये मैंने समझो इसको देखो ये किसी गैस का बेटे इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, ये इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या लिख रहे हो कि आपने प्रेशर कांस्टेंट किया, ठीक है। आप आगे बढ़ो, क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर आप किसी भी टेम्परेचर में वेरिएशन करते हो, टेम्परेचर में वेरिएशन करते हो, जो वॉल्यूम किसी भी गैस का है वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ओरिजिनल क्या है, वी नॉट, ये तो इनिशियल था। अगर मैंने वी टी निकालना हो फाइनल वॉल्यूम, जस्ट समझो इसको, मैं तो लिखने को ये लिख दूंगी बोर्ड पे, खत्म, मेरा तो जाता है यहाँ पे खत्म। ये इक्वेशन है चार्ज लॉ, अभी चार्ज लॉ की इक्वेशन समझो क्या, ठीक है। वी नॉट आपका बेटे इनिशियल है, फाइनल ज्यादा होगा या फाइनल कम भी हो सकता है, डिपेंडेंट आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, राइज हुआ है या फॉल हुआ है। अब हम इतने सियाने हैं कि जब टेम्परेचर राइज करता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है। वो कितना बढ़ेगा, जितना उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वो तो है, प्लस जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था मल्टीप्लाई किया 1/273, ठीक है। जो आप चीज कर रहे हो ना, आई कैन सी हियर, सीधों के बैठ जाओ, समझ आ रही है। V नॉट आपका इनिशियल था बेटे, ध्यान से समझो, इनिशियल वॉल्यूम मान लो 10 ml था गैस का, ठीक है। अब कितना इंक्रीज हुआ, जितना इनिशियल था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/273 एट एवरी 0 degree राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। राइज करोगे मतलब 10 degree मान लो राइज हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं -10 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर -10 कर दूं तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू, इसको इसके साथ प्लस करोगे तो ये कम हो जाएगी, तो आपका VT फाइनल कम आएगा इनिशियल से। आप खुद समझो, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, गैस को ठंडा करते हो, गैस को लिक्विफाई करते हो, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अगर गैस को आप हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगी, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज। मतलब अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू जो यहाँ पे लेते जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे 10 degree लूंगी तो उसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर 20 degree लूंगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 30, 40 एंड सो ऑन। अब एक टेम्परेचर है -273, अब टी की जगह पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस टी की जगह पे भरो -273, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, 0। -270 को कहते हैं बेटे एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। आपसे इस पे क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब जब वी टी की वैल्यू, वी टी है ना, वी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब वॉल्यूम जीरो हो गया, इसका मतलब गैस है ही नहीं। सोचो, अगर वॉल्यूम है ही नहीं किसी चीज का तो गैस है ही नहीं। इसको इस ग्राफ से डिपिक्ट किया जाता है, मान लो आप इस ग्राफ को समझो पहले, ये आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा,
थोड़ा सा मैं इसको चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं टेम्परेचर जीरो, ये मान लो जीरो है, अब जीरो से कम करना शुरू करूं तो ग्राफ इस तरफ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा ना तो ग्राफ इस तरफ जाएगा। तो मैं ग्राफ को पीछे की तरह एक्सप्लोरेट कर रही हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ टच कर गया, ये टेम्परेचर है बेटे -273। अब इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या है ही नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर हम कभी अटेन नहीं करते। अगर हम -273 टेम्परेचर ले आए, एक्चुअली होता क्या है, इससे पहले ही जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो गैस से किस में चेंज होंगे, लिक्विड में। तो हम कहते हैं कि -273 पे गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऑब्वियसली उससे पहले ही वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो गैस कहां से एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहते हैं एट -273 गैस सीजेस टू एग्जिस्ट, सीजेस टू एग्जिस्ट, उसे कहते हैं सीजिस, मतलब खत्म होना, गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वॉल्यूम क्यों क्यों नहीं, अप्रूव कैसे करोगे कि हमारा वॉल्यूम क्या आ रहा है, जीरो। जिस चीज का वॉल्यूम ही नहीं है वो एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि इसको अटेन करने से पहले ही जो गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। और द पॉइंट, के बाद लेट अस इसको दूसरे टर्म में इस इक्वेशन को रखें। देखो वैसे तो हमें यहां से समझ आया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है, आप बताओ, आप किसी की हीटिंग करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज। तो हमें दिख ही रहे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बाय दिस लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ड्राइव क्या करना हमें पता है। अब वी इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट ले ले जाए तो के टी, अगर किसी रिएक्शन कंडीशन वॉल्यूम इनिशियल किसी भी गैस का वी वन है, तो हमने ज्यूम कर लिया इसका टेम्परेचर क्या है टी वन, तो हम कह सकते हैं वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है जितना वी वन का था उतना ही वी टू का है। हम ये कह सकते हैं वी वन को अगर हम टी वन से डिवाइड करेंगे इक्वल टू किसके आएगा, वी टू अपॉन टी टू, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। नहीं बेटे देखो ध्यान से समझो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उतना ही, मान लो ये 10 है तो ये भी 10 है, ये अगर 20 हुआ तो ये भी 20, तो दोनों इक्वल ही है। बात समझ आई, ठीक है। अगर इनिशियल वॉल्यूम 10 था, वो कब था, टेम्परेचर जब 10 था, अब हमने टेम्परेचर कहां लेके गए 20, तो वॉल्यूम कितना हो गया 20, तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल, तभी ये तो बोलते हैं बेटे, तभी ये बोलते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आता है हॉट एयर बलून पे, ठीक है। हॉट एयर बलून क्यों राइज करता है, क्योंकि जब आप गैसेस को गर्म करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, तो गैसेस ऊपर क्या हो जाता है, बलून उड़ जाता है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप इसका, ग्राफ सिंपल बनेगा, कैसे भी सीधा बनेगा, कि हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो गया, यहां गए इतना टेम्परेचर था, यहां गए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
Mental will take afterwards. नेक्स्ट इज बेटे एवोगैड्रोस लॉ, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है. अगेन राइट द स्टेटमेंट. एवोगैड्रोस कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मगर आपकी टेम्परेचर प्रेशर जो कंडीशंस है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो राइट डाउन, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एवोगैड्रोस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all the gases contain equal number of molecules, equal number of molecules, that is if the volume of the gas, that is the volume of the gas is directly proportional to the molecules or the moles, molecules or the moles. This is all given in your book. जब आप ये laws को पढ़ते हो बेटे, listen to me carefully. जब इनको पढ़ना है आपने, एक तो इनका physical significance नहीं छोड़ना होता, क्योंकि एक आधा conceptual question वहां आ जाता है, ठीक है. दूसरे इनके जितने भी graphs given है आपकी book में, कुछ एक भी नहीं छोड़ना. सीधा graph बना होता है और पूछा जाता है कि कौन सा law है, ठीक है. जैसे बॉयज लॉ में हमने तीन ग्राफ की, ठीक है ना, पीवी को कांस्टेंट रख के, पी और वी का. अपने जब बॉयज लॉ का ग्राफ आता है ना, तो ध्यान से देखना होता है कि पी वर्सेस वी गिवन है या पी वर्सेस वन बाय वी गिवन है. अगर पी वर्सेस वी है तो ये इनवर्स जाएगा, अगर पी वर्सेस वन बाय वी है तो सेम ये आएगा. ये आपने ध्यान से देखना है वहां पे, ठीक है. पीवी कांस्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. आपके इस लॉ का सिर्फ दो लॉस के ग्राफ हैं, आपका एवोगैड्रोस लॉ का कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है. ये दोनों ग्राफ्स स्टडी करने हैं. आपने क्या इक्वेशन कहती है, जैसे मैंने बीच में बताया सीज इज एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्यों है, इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है. तो आप इसको प्रूव करके भी दिखाओगे. इक्वेशन में हमने यहाँ पे -273 रखा, तो देखो हमारा वी टी जीरो आ रहा है, इसलिए अब ये गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी. समझ आ रही है. अब ये तीन लॉ जब कर लेते हो तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ये लिखो, ये लॉ की डेरिवेटिव वो लिखो, इक्वेशन एवोगैड्रोस लॉ की, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. मैं अगर मैंने दो गैसेस ली हैं, दो मेरे पास आरबीएफ है, एक में हाइड्रोजन एक में नाइट्रोजन, और दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा वो. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास. समझ आ रही है. अच्छा, अब ये तीनों लॉज को लेके हम एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे कि गैस को कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए. दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं होता, ठीक है. आइडियली बच्चे कैसे होने चाहिए, जो अच्छी तरह सेल्फ स्टडी करें, है ना, तो जो अच्छा पढ़े, ये आइडियल बच्चे हैं. आइडियल टीचर कहते हैं हमें जो कुछ ना कहें, हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव करें, दिस इज आइडियल टीचर फॉर यू. सो नो वन इज आइडियल, आइडियल सिर्फ एक भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं. तो हम कहते हैं कि आइडियल वो चीज है जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो. अगर आप दो गैसेस को मिक्स कर लो, अब जैसे दो स्टूडेंट है अलग अलग बैठे, दे आर स्टडिंग, वो अलग अलग है, वो दे आर नियरली टू आइडियल, ये कॉन्सेंट्रेशन लगी हुई है. अब जो दो स्टूडेंट्स को मैं इकट्ठा बिठा दूं, जरूरी नहीं है वो आइडियल रहेंगे, वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे. उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन पहले थे अलग अलग रह गए, अब वो नहीं है. समझ आ रही है. तो वही आइडियल गैस इक्वेशन, वो इक्वेशन है बेटे जो बताती है कि गैस आइडली कैसे बिहेव करनी चाहिए. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये बताती है कि ये कंडीशन एप्लीकेबल हो गए तो गैस ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी, यही रूल्स फॉलो करेगी.
मगर हम रियल वर्ड में आते हैं, रियल गैस इक्वेशन जो कि हम टर्म सेकंड में करेंगे, रियलिटी ये है कि आइडियल है ही नहीं, तो हम रियल गैस आइडियल गैस को चेंज करेंगे रियल गैस इक्वेशन में। रियल उसको प्रेशर भी अफेक्ट करेगा, रियल उसको टेम्परेचर भी, सब कुछ अफेक्ट करेगा, समझ आ रही है। आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है जब आप दो तीन गैसेस को अगर मिक्स भी कर दो ना, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में। अगर मैंने 10 ml एक गैस मिक्स करी, 10 ml दूसरी गैस मिक्स करी, तो मुझे 20 ml ही मिलेगा, नहीं। अब जैसे मैंने दो स्टूडेंट्स को आपस में बिठा दिया, दो कंडीशन है, या तो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, या तो एक दूसरे को मार लेंगे अच्छे से तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो पहले था उससे भी इंक्रीज, ठीक है। तो ये रियल बच्चे हैं, आइडियल बच्चे कुछ और हैं, वैसे आइडियल गैसेस कुछ और हैं। चलो बेटे लास्ट ही रह गई अब, सो वी कंटिन्यू ऑन सैटरडे ओनली, कल रहने दो, ऑन मंडे।